तो राणा गुरजीत सिंह माइनिंग ही बोली मामले पर सियासी उबाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष ने हटाने की मांग पर अड़ा है। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, जो अकाली दल बीजेपी भी हर जिले में धरने की तैयारी में है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से जी मीडिया संवाददाता पुनित परिंजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनित, तो ये ई माइनिंग का जो मामला है वो अभी तक रुका नहीं है, बल्कि इस पर सियासत जो है वो गर्माती ही जा रही है, तो अभी क्या जो नेक्स्ट मूव है अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी का होगा? जी जाहिर तौर पर इंदर, क्योंकि लगातार विपक्ष को बैठे बिठाए जो मुद्दा मिला है ई माइनिंग के जरिए, जो ई ऑक्शन हुई थी उसको लेकर राणा गुरजीत को लगातार विपक्ष जो है वो घेरे हुए है और निशाने पर सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं कि वो इनको हटाने क्यों नहीं रहे हैं, उनके ऊपर हटाने का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। और लगातार चाहे वो विपक्षी अगर बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने विधानसभा से जिस तरह से एक प्रदर्शन शुरू किया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करने की बात कही थी, हालांकि उनको रास्ते में ही वहां पर हिरासत में ले लिया गया था। उसके अलावा बीजेपी जो है वो भी लगातार सूबे पूरे सूबे में प्रदर्शनों का जो दौर है वो जारी रखे हुए है, वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। वहीं अकाली दल भी इस पूरे मामले को लेकर चुप रहने की स्थिति में यहां पर जो है वो कतई नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि अब जब पूरा विपक्ष जो है वो लामबंद है इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने के लिए, और ऐसे में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे सीधे तौर पर ये कह दिया है कि वो विपक्ष के दबाव के आगे इस मुद्दे को लेकर नहीं झुकेंगे और ना ही जो जो पूरी जो बोली हुई है माइनिंग की इसको वापस लिया जाएगा, इसको कैंसिल किया जाएगा। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में सरकार को विपक्ष के और कड़े जो हमले हैं वो झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंद्र ये साफ कर चुकी है कि अगर जल्द ही राणा गुरजीत को उनके पद से नहीं हटाया गया तो वो पूरे प्रदेश भर में जो प्रदर्शन है वो और तेज कर देंगे, क्योंकि विपक्ष जानता है कि उनके हाथ में ऐसा मुद्दा लगा है जिसको वो भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। और जाहिर तौर पर जून में अभी सेशन भी शुरू होना है, बजट सेशन भी, और उसमें भी ये मामला जो है वो थमेगा ऐसी तो उम्मीद जो है वो बिल्कुल नहीं लग रही है। लेकिन पुनित, मुख्यमंत्री बार बार स्पष्ट कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जब मामला चल रहा है, कमेटी गठित है, जांच हो रही है, जांच के बाद वो है वो कार्रवाई करेंगे अगर दोषी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष को देखें ना, आम आदमी पार्टी जो है इस मुद्दे को खत्म करना चाहती है, ना अकाली बीजेपी। जी जाहिर तौर पर, क्योंकि विपक्ष के हाथ में बैठे बिठाए जो है वो मुद्दा जो है वो लगा, और ऐसे में विपक्ष नहीं चाहेगा कि इस मुद्दे को तुरंत जो है वो खत्म किया जाए और इसको भुनाने में वो पूरी जो कहेंगे हम जो कोई कसर जो है वो छोड़ना नहीं चाहेगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी जो है राणा गुरजीत के बचाव में आगे आए हैं और उन्होंने भी कल बाकायदा प्रेस नोट जारी करके ये बयान दिया है कि ये जितनी भी ई ऑक्शन हुई है उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती गई है और इस मुद्दे को लेकर वो किसी तरह के मीडिया ट्रायल या फिर विपक्ष के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। और जहां तक बात रही उनके साथ और पे ये कहना है कि इसको लेकर एक जांच कमेटी का जो है गठन कर दिया गया, हालांकि विपक्ष जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगा रहा है लगातार, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या अकाली दल हो।